हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में हॉट स्टार पे अवेलेबल 7 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारी लिस्ट के नंबर 7 पे है थ्रिलर क्राइम मिस्ट्री ड्रामा सीरीज हॉस्टेजेस। क्या चाहते हो तुम? अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करती हैं, कल जब आप सीएम हांडा पे ऑपरेट करेंगे, वो जिंदा नहीं बचेगा। सीरीज की कहानी एक सर्जन के इर्द गिर्द घूमती है। इस सर्जन को चीफ मिनिस्टर की सर्जरी के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन इसी दौरान सर्जन के परिवार को कोई किडनैप कर लेता है। समझदार हैं आप डॉक्टर आनंद, आप सीएम को नहीं मार रहे, अपनी फैमिली को बचा रही है। और फिर उस पर चीफ मिनिस्टर को मार डालने का दबाव बनाया जाता है। अब क्या सर्जन अपनी फैमिली को बचाने के लिए सीएम को मार देगी या कोई और रास्ता निकालेगी, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। डॉक्टर मीरा के उसूल मेरे प्लान के आड़े आ गए। सीएम हांडा का हेड ऑफ सिक्योरिटी सुब्रमण्यम, वो भी मेरे ही प्लान का हिस्सा था। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे है थ्रिलर ड्रामा सीरीज आउट ऑफ लव। आकाश, तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? I don't want to catch you. I just want कि तुम मुझे सच बता दो, please. कुछ नहीं है मीरा। आउट ऑफ लव एक पति पत्नी जोड़े आकाश और मीरा की कहानी है। एक दिन मीरा को आकाश के कपड़ों में से एक महिला का बाल मिलता है। इससे मीरा को अपने पति पर शक होने लगता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। Hi, मालिनी, आकाश सर की सेक्रेटरी। Highlighted brown hair. I've just been thinking that he's having an affair. तो एक बाल की वजह से इतना सब कुछ। अफेयर के बारे में जानकारी जुटाते हुए मीरा को अफेयर के सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद मीरा आकाश को सबक सिखाने का फैसला करती है। अब मीरा आकाश से बदला लेने के लिए क्या करती है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये कुछ दिनों का चक्कर है यार। Give him hell. वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, उसका जीना मुश्किल कर दो। हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे है सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज दहन राकन का रहस्य। अगर वो माया भी उठ खड़ो हो ना, तो पूरे सिलास पुराने युद्ध क्षेत्र बना देखो। राजस्थान के एक काल्पनिक गांव सैलासपुरा, जिसको मुर्दों की धरती कहा जाता है, वहां ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले एक मायावी ने सैलासपुरा गांव को श्राप दिया था, जिसके बाद उस मायावी की आत्मा गांव के पास एक पहाड़ी में कैद की गई है। यदि वो आत्मा बाहर आई तो हर तरफ तबाही मचा देगी। सर, सैलासपुरा के आसपास की पहाड़ियों में सैटेलाइट सेंसर्स ने रेयर अर्थ मिनरल्स डिटेक्ट किए हैं। उन्होंने सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, खान के बदले में विकास। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक प्राइवेट कंपनी सरकार की अनुमति से वहां माइनिंग का काम शुरू करती है, लेकिन स्थानीय लोग इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अब इस श्राप की बात सही है या फिर इसके पीछे कई गहरे राज दफन है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये शिला स्थल जिसने शिलासपुरा की सदियों से रक्षा की है, उस पर अगर एक भी खरोच आई, एक क्षण में सर्वनाश होगा सबका। हमारी लिस्ट के नंबर 4 पे है क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच। अभी अभी खबर आई है कि बाल अभिनेत्री जारा अहूजा का मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट है उनके भाई मुकुल अहूजा। सीरीज की कहानी जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाली लोकप्रिय चाइल्ड आर्टिस्ट जारा अहूजा की है। एक रात जारा अचानक अपने घर से गायब हो जाती है और उसी रात जारा का मर्डर हो जाता है। मुकुल के फोन से क्राइम सीन के फोटोज लिए गए थे। सारा के बॉडी में मिले ड्रग्स और मुकुल की पोजीशन में जो ड्रग्स थे, दोनों सेम है। फोरेंसिक्स को मुकुल अहूजा की फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर भी मिले हैं। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस जारा के भाई को मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अरेस्ट कर लेती है। अब इस चाइल्ड आर्टिस्ट के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हमें ये बताती है कि मुकुल के पास मींस, मोटिव और अपॉर्चुनिटी थे जारा अहूजा का मर्डर करने के लिए। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे है एक्शन ड्रामा सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो। जड़ी बूटी और हैंडीक्राफ्ट से सीधा ड्रग्स मा? व्हाट्स गोइंग ऑन? हमारे बिजनेस के बारे में सब बताओ। पूरे देश में ये पत्ते सिर्फ हम ही उगाते हैं, मार्केट में हमसे ज्यादा चोखो माल कोई नहीं बना सकता। सीरीज की कहानी राजस्थान की रहने वाली रानीबा नाम की औरत की है, जो सालों से अपना घर चलाने के लिए जड़ी बूटी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट का धंधा करती आ रही है। लेकिन रानीबा इस धंधे की आड़ में ड्रग्स का भी काला कारोबार करती है। लोग मारे को प्यार से रानीबा कह रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी रानी कारपोरेटिव को खड़ा करने में लगा दी, पर मैं कभी एक लेनी थी। तो फिर और कौन कौन है आपके साथ? बेटी और बहू भी धंधा संभाल सके। रानीबा का कहना है कि इस प्रकार का ड्रग्स बाजार में उसके अलावा कोई और नहीं बनाता। इस काम में रानीबा की बेटी और बहू दोनों पार्टनर होती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रानीबा के दुश्मन उस पे हावी होकर उसका धंधा हथियाना चाहते हैं। अब रानीबा इन दुश्मनों से अपना धंधा बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी।
हवेली के अंदर मगड़िए चौखट पर मुंबई पुलिस या खेल अब तारे बस का है वे। अभी तो कहानी घनी बाकी है, घमासान युद्ध तैयारी है। हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे है क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज द फ्रीलांसर। देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई होगी। इस्लाम की असल राह पर वापस लौट आई है। सीरीज में आलिया नाम की लड़की की सच्ची कहानी दिखाई गई है। दरअसल एक इस्लामिक लड़का आलिया से शादी करके उसे सीरिया ले जाता है और ISIS के हवाले कर देता है। फिर धर्म के नाम पर आलिया जो कि एक भारतीय है उसे कैद कर लिया जाता है। ऐसे धोखा देके ले आए तुम मुझे? हमारा ईमान कहता है कि हमें खिलाफत के लिए लड़ना होगा, पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। हो क्या क्या है? ऐसे में ISIS के चंगुल में फंसी इस लड़की को सीरिया से वापस लाने के लिए फ्रीलांसर को चुना जाता है, जिसके बाद वो सीरिया में घुसकर आलिया को वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या निकलेगा ये आपको सीरीज में देखना होगा। अगर तुम इनायत की बेटी को वहाँ से निकालना चाहते हो तो 2 बातें याद रखना, पहली ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल, और दूसरा You're already late. हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे है सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज कर्मयुद्ध। वैसे आपका और इंद्राणी रॉय का रिश्ता कैसा है? कौन सी फैमिली परफेक्ट होती है, अनबन ना हो तो वो रिश्ता कैसा? कर्मयुद्ध की कहानी एक नामी रॉय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल शहर में बहुत बड़े पैमाने पर हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों की हत्या करके उन्हें जला दिया गया है। इसका पूरा शक रॉय परिवार पर जाता है। इस न्यूज ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। Justice delayed is justice denied. अब अपने परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए बिजनेस टाइकून इंद्राणी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। अब इंद्राणी अपने परिवार को कैसे बचाती है और आगे सीरीज में क्या क्या होगा ये जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। ये बिजनेस आपकी विरासत है और मेरा इमोशन, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज मोर पावरफुल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।